टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की उनके ही दो करीबियों ने हत्या कर दी। गोवा पुलिस का दावा है कि सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स का ओवरडोज देकर मारा गया। पुलिस को शक है कि संपत्ति के लालच में सोनाली की हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल है, जिन लोगों पर सोनाली आंख मूंद कर भरोसा किया करती थी, जिनकी सहूलियत पर वो लाखों रुपए लुटा देती थी और जिन्हें सोनाली तनख्वाह के रूप में लाखों रुपए देती थी, क्या वो सोनाली फोगाट की हत्या 2 करोड़ के लालच में कर सकते हैं? जी हां, 200 करोड़ नहीं, 2 करोड़। महज 43 साल की उम्र में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट इस दुनिया को छोड़ गई। शुक्रवार को हिसार में उनकी बेटी यशोधरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीजेपी नेता के सम्मान में उनके शव को बीजेपी के झंडे में लपेटा गया, लेकिन उनकी मौत पर छाया धुआं अब भी पूरी तरह से छटा नहीं है। सोनाली फोगाट की मौत नहीं, हत्या हुई है, ये मानने में गोवा पुलिस को 3 दिन लग गए। जब तक गोवा के करली रेस्टोरेंट से ये सीसीटीवी वीडियो सामने नहीं आया, गोवा पुलिस इस सच को मानने से इनकार करती रही कि सोनाली फोगाट की मौत प्राकृतिक नहीं, उसकी हत्या हुई है। लेकिन हैरानी देखिए, जैसे ही इस मामले में गोवा पुलिस सीसीटीवी तक पहुंची, एक एक करके हत्या की ये गुत्थी परत दर परत खुलती चली गई। गोवा पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ये कबूल कर लिया है कि सोनाली को जो सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था वो उन्होंने गोवा से ही खरीदा। हालांकि पुलिस ये बताने से बच रही है कि वो ड्रग्स क्या था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुधीर सांगवाल और सुखविंदर सिंह ने सोनाली को 1.5 ग्राम MDMA दिया गया था, जिसके ओवरडोज के चलते सोनाली की मौत हो गई। हालांकि सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गोवा पुलिस की थ्योरी में अब भी कई अंतर बाकी हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी सोनाली की रिपोर्ट में कई ऐसी जानकारी सामने आना बाकी हैं, जो सोनाली की हत्या से जुड़े तमाम सच्चाई का पर्दाफाश कर देगी। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही, तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहाँ करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज़ पिलाया है, कहाँ पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर है, शुरुआती 3 दिनों तक जिस तरह से गोवा पुलिस सोनाली की मौत को हत्या मानने से इनकार करती रही और फिर बाद में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, वो कहीं ना कहीं पुलिस की हड़बड़ाहट भी दिखाता है। पुलिस अब तक जिस थ्योरी के आधार पर केस का खुलासा करने की बात कर रही है, वो इस मामले से पीछा छुड़ाने की जल्दी ज्यादा और केस सुलझाने की कोशिश कम लग रही है, क्योंकि जब तक पुलिस हत्या का मोटिव एस्टेब्लिश नहीं करती, पुलिस की जांच पर भी सवाल उठते रहेंगे। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जो करलीज क्लब के अंदर है और ये वही लेन है जिसके अंदर का डांस फ्लोर जो है वहां पर सोनाली और सुधीर थे, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरा, इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये पूरी जो घटना है वो कैद हुई है, और सामने अंदर जो बेसिन है उसी बेसिन के सामने से सोनाली और सुधीर वो आ रहे थे। ये बेसिन आप जो देख रहे हैं, यहीं से सोनाली और सुधीर आ रहे थे और सीधा यहां से आते हुए इस यहां पर आप दिखाना चाहूंगा, देखिए ये काले टी शर्ट में सुधीर है और सामने लाल जो टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी है वो सोनाली है, और बेसिन से सीधा इसी रास्ते पे ये जो लकड़ी का आपको पैसेज नजर आ रहा है, यहीं से पैसेज से होते हुए आगे इस तरफ जा रहे हैं, और यहां से जाने के बाद ये सीढ़ियां चढ़ी गई हैं, ये सीढ़ियों से ऊपर आया गया है, इसी जो वॉशरूम है, लेडीज टॉयलेट है, यहां तक सुधीर सोनाली को लेकर आया है, उसके बाद सोनाली अंदर लेडीज टॉयलेट के अंदर गई है। करीब 2 बजे के आसपास की ये वाकयात है, 2 बजे के बाद की ये घटना है, और काफी देर से सोनाली अनकॉन्शियस थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे सोनाली को सुधीर अपने साथ में लेकर आ रहे हैं, कंधा सोनाली ने सुधीर का पकड़ा हुआ है और सुधीर भी लड़खड़ा रहे हैं, सोनाली भी लड़खड़ा रही है, लंगड़ाते हुए सोनाली फोगाट जो है वो चल रही है, और यहीं पर आने के बाद अंदर लेडीज टॉयलेट में
सोनाली को जो है सुधीर ने अंदर भेजा है। दो तीन और लोग नजर आ रहे हैं इस सीसीटीवी में जो सुधीर और सोनाली के पीछे हैं। पहले सोनाली यहीं इसी सीढ़ी पर बैठती है और यहां पर काफी देर तक बैठने के बाद उन्हें पानी वानी पिलाया जाता है। उसके बाद वापस दोबारा यहां पर इस सीढ़ी पर आकर सोनाली बैठती है और यहां पर भी उन्हें पानी वगैरह पिलाया जाता है। किसी तरह से सोनाली चढ़ते हुए तीन जो सीढ़ी है स्टेयरकेस है वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद अंदर करीब दो से ढाई घंटे तक सोनाली अंदर रहती है। तो ये सीसीटीवी पुलिस के पास आया है जिसके आधार पर यह बात साफ हुई है कि जो ड्रग्स है वो सोनाली को दिया गया था और ये सिंथेटिक ड्रग्स था। ये ड्रग्स कौन लाया था इस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना था। राइट नाउ आई कैन नॉट एस्टेब्लिश वेदर इट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बट नॉर्मली आप सब जानते हैं जर्जरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। सुना आपने, गोवा पुलिस भी अब तक की जांच के जरिए इसी नतीजे पर पहुंची है कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं दौलत है, जिसके चलते साजिश के तहत 23 अगस्त को गोवा के इसी करली रेस्टोरेंट में सोनाली को आरोपी सुधीर और सुखविंदर ने ड्रिंक में मिलाकर जबरदस्ती सिंथेटिक ड्रग्स पिलाया जो बाद में उनकी मौत की वजह बना। सोनाली फोगाट के जिंदा रहते हुए यह उनका आखिरी वीडियो है जो मंगलवार यानी 23 अगस्त की तड़के करीब 4:30 का है। करली रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि केमिकल ओवरडोज की वजह से सोनाली अपना कंट्रोल खो चुकी है और उनका पीए सुधीर सांगवान सहारा देकर उन्हें वॉशरूम की तरफ ले जा रहा है, लेकिन 4:30 से लेकर उसके अगले 2 घंटे तक वहां क्या हुआ इस बारे में अभी तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस बारे में दोनों आरोपियों ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया है। वहीं अब तक पुलिस से मिली इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं यह आशंका बढ़ जाती है कि सुधीर और सुखविंदर ने अगले 2 घंटों तक सोनाली फोगाट को अस्पताल इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह का मकसद था सोनाली की हत्या और मर्डर का मोटिव था पैसा। क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना था। राइट नाउ आई कैन नॉट एस्टेब्लिश वेदर इट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बट नॉर्मली आप सब जानते हैं जर्जरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। पैसा बना सोनाली की मौत की वजह, हत्या के पीछे कैश या जायदाद। निश्चित तौर पर क्राइम सीन से मिले सुराग और घटना से जुड़े सबूतों के तार जब आरोपियों के बयान से मेल कराए जाएंगे तो सच सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल है कि आखिर सोनाली फोगाट के पास कितना पैसा था और उनकी आमदनी का जरिया क्या था जो बाद में उनकी मौत की वजह बन गया। बेशक बिना इन सवालों का जवाब जाने सोनाली के हत्यारों का मोटिव नहीं समझा जा सकता। कौन थी सोनाली फोगाट? सोनाली के आय का जरिया क्या था? सोनाली फोगाट एक सोशल मीडिया स्टार थी। वो मीडिया सेलिब्रिटी, एक्ट्रेस और बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट थी। सोशल मीडिया पर अपलोडेड वीडियो से उन्हें अच्छी कमाई होती थी। टिकटॉक वीडियो से सोनाली ने करोड़ों रुपए कमाए। सोनाली रीजनल फिल्मों की नामी एक्ट्रेस भी थी। एक फिल्म के लिए सोनाली 25-30 लाख रुपए चार्ज करती थी। वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो भी सोनाली का इनकम सोर्स। सोनाली बिग बॉस में पूर्व कंटेस्टेंट रही। बिग बॉस में हर एपिसोड के लिए सोनाली को 80,000 रुपए मिले। सोनाली फोगाट ने जिस सुखविंदर और सुधीर सांगवान को अपने सबसे करीब आने दिया और जिस पर उन्होंने बाकी लोगों से ज्यादा भरोसा किया, आखिर उन दोनों ने सोनाली के साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस के लिए मोटिव ऑफ क्राइम जानना सबसे ज्यादा जरूरी था और गोवा पुलिस के मुताबिक इसके पीछे थी सोनाली की दौलत, क्योंकि सोनाली ने अपना अच्छा खासा पैसा प्रॉपर्टी में लगाया। हिसार और नोएडा में सोनाली के फ्लैट। सोनाली के नाम पर हिसार में एक प्लॉट, एक फार्म हाउस की मालकिन थी सोनाली। सोशल मीडिया सेंसेशन से बीजेपी के जरिए राजनीति में कदम रखने वाली सोनाली फोगाट ने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों कमाए। साल 2016 में पति की मौत के बाद उन्होंने और ज्यादा मेहनत की और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की।
साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उस शपथ पत्र में सोनाली फोगाट ने 25,61,000 रुपए की चल और 2,48,50,000 रुपए की अचल संपत्ति बताई थी। लेकिन बताया जाता है कि इसके बाद भी सोनाली ने कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए और उससे अच्छी खासी कमाई की। लेकिन बाद में सोनाली ने उन पैसों को कहां इन्वेस्ट किया, ये सिर्फ सुधीर सांगवान ही जानता है, क्योंकि सोनाली के परिवार वालों का कहना है कि सोनाली की यूट्यूब से भी लाखों की कमाई होती थी, लेकिन वो सारा पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। सुधीर से पहले सोनाली के पीए रहे ऋषभ भी यही मानते हैं कि सोनाली की हत्या के पीछे सिर्फ दौलत है। सोनाली फोगाट पैसा कमाना भी जानती थी और पैसों के दम पर अच्छी और आलीशान जिंदगी जीने का उन्हें शौक भी था, जिसकी झलक उनके फैंस को उनके वीडियो में दिख जाया करती थी। लेकिन उनकी वही दौलत उनकी जान की दुश्मन बन गई। सोनाली के पूर्व पीए और मुंह बोले भाई ऋषभ कहते हैं कि सुधीर सांगवान ने बेहद शातिरी से उसकी दौलत लूटने के लिए उनके करीबियों को पहले एक एक कर उनसे दूर किया और फिर साजिश के जाल में फंस कर उनकी हत्या कर दी। काफी आप नजदीक हुआ करते थे सोनाली फोगाट के, हमेशा साथ रहा करते थे, मुंह बोला भाई आपको बनाया हुआ था, क्या क्या राजदार हैं जो सांगवान जो है जो अब सामने आ रहे परिवार के? राजदार तो भाई ऐसा था, वो था एक बहुत ही जबान तराश आदमी, झूठा। तो जैसे पहले तो उसने परिवार को दूर किया, परिवार में कौन, सगे भतीजे, मैडम के सगे भाई, ताऊ के बच्चे, भाभी, मतलब कोई भी पास आया ना उनको दूर कर दिया। दूर करने का तरीका क्या, बात नहीं होने देता। जैसे मैडम का घर था अलग, 68 नंबर है संत नगर में, और उनका घर था बिल्कुल पास, फोगाट फैमिली जो दूसरी है, उनको भी नहीं पास आने दिया कभी इसने। यानी मिलने आते तो कुंडी लगा देता, अगर मैडम अभी बिजी है, मैडम बाहर गई है, तो कोई भी इज्जतदार आदमी आएगा धक्के से थोड़ी जाए किसी घर में। तो करते करते सभी परिवारों गैप कर दिया। जब सगा भाई वेटिंग में रहे अपनी बहन से बात करने के लिए, सगा भाई तो देख लो क्या क्या प्रोसेस चलाया था उसने। चोरी हुई थी उसमें भी, जैसे बीच में बात हुई थी तो ये कहा भी वहाँ फिंगरप्रिंट थे, क्यों सब कुछ चोरी हो गया था, DVR, पैसे, उनका रिवॉल्वर लाइसेंस वाला, तो शीशे का जैसे काम काफ़ी हुआ है उनके घर में, तो शीशे पे आपको कोई चीज़ हाथ लगाएंगे तो प्रिंट आते हैं, तो पुलिस ने वो प्रिंट भी लिए। प्रिंट लेने के बाद 2-5 बार मैंने उनको ये कहा भाई आप भाई वो रिपोर्ट तो ले लो, तो वो कहता था रिपोर्ट तो 5 साल में आती है, 10 साल में आती है, छोटू ऐसे नहीं आती। इसलिए परिवार का शक गहरा हो गया कि ये हत्या में शामिल है। शक गहरा नहीं, उसका मिशन ही ये था ना। अब कोई भी आदमी अपना घर परिवार बच्चे छोड़ के किसी के घर रहे तो बिना फायदे के तो रहेगा नहीं। नजर उसकी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी पे नजर थी। अब सिर्फ एक बेटी ही बच गई सोनाली की, यशोधरा, यशु, एक बच गई, उसको भी खतरा है। जब वो इतनी बड़ी फिल्म बना सकता है, गोवा जाके इस तरीके से मारा है, तो उस बेटी को मरवा देगा। पर कहीं ना कहीं अंगूठे दस्तखत, डर है कि उसकी बेटी को भी जान का खतरा। श्योर है, डर नहीं, होगा ये करेगा वो, क्यों आदमी जब इतनी बड़ी औरत को ही नहीं छोड़ा, पूरी फिल्म तैयार करके गोवा ले जाके मार दी वो, तो इसको क्या छोड़ देगा। सोनाली फोगाट अपने पीछे 14 साल की बेटी छोड़ गई है, जो अपनी माँ की मौत से बुरी तरह टूट गई है, वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोनाली अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, अक्सर अपने वीडियोस में वो अपनी बेटी को प्यार करती दिख जाती थी। जाहिर है सोनाली की मौत के बाद जब उनका सारा पैसा, जेवरात, प्रॉपर्टी सब उनकी बेटी यशोधरा के नाम पर हो जाएगा, लेकिन जिस संपत्ति के चलते सोनाली फोगाट की जान चली गई, वो पैसा कहीं इस बिन माँ बाप की बच्ची पर कोई मुसीबत न ढा दे, ये डर अब सोनाली के करीबियों को सता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।